हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ जुडिशियल एग्जामिनेशन। आई एम डॉक्टर वसीम आई खान, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परभणी, महाराष्ट्र, इंडिया। सो टुडेज पॉइंट ऑफ डिस्कशन विल बी सेक्शन 17 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 दैट डील्स विथ प्रोविजन ऑफ एडमिशन अलॉन्ग विथ सेक्शन 17। वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द एग्जामिनर ऑन सेक्शन 17 एज वेल एज वी विल डिस्कस द क्वेश्चन विच मे बी आस्क्ड बाय द एग्जामिनर ऑन सेक्शन 17। तो आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 17, उस पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस पर पूछ सकता है। सो without wasting your much time, let's start the topic. Section 17, admission under Indian Evidence Act 1872. So the introduction is that in general admission is a voluntary acknowledgement of a fact. So if the person acknowledge any fact voluntarily, that particular statement is known as a admission. तो अगर कोई person कोई चीज़ को मैं admit कर रहा हूँ, हाँ ये चीज़ है voluntarily, तो मेरा वो जो statement है वो admission कहलाएगा। Importance is given to those admission that go against the interest of the person making the admission. So the importance is given under Indian Evidence Act to those admission which goes against the maker. मैंने admission दिया, मेरे interest के against में अगर वो admission जा रहा होगा, तो ऐसे admission को importance दिया हुआ है Indian Evidence Act में। Self-harming admission weight more under evidence law. Suppose if I made an admission and if that admission harm me, then that admission is having a much weightage under the Indian Evidence Act. कि अगर मैं कोई स्टेटमेंट दे रहा हूँ और वो स्टेटमेंट अगर मेरे अगेंस्ट में जा रहा है, तो वो मेरा एडमिशन होगा और वो एडमिशन को ज़्यादा वेट है इंडियन एविडेंस एक्ट में। ऑल कन्फेशन आर एडमिशन बट एवरी एडमिशन मे नॉट बी अ कन्फेशन, दैट इज अ जनरल स्टेटमेंट के जितने कन्फेशन है वो सब एडमिशन के ही पार्ट है, बट हर एडमिशन कन्फेशन नहीं होता। मतलब हर कन्फेशन एडमिशन हो सकता है, लेकिन हर एडमिशन कन्फेशन नहीं होता है। To be a confession, admission should contain an acknowledgement of guilt. अगर confession किसी statement को हमको कहना है, तो admission में क्या होना चाहिए? Acknowledgement of guilt होना चाहिए। हाँ मैंने ये गुनाह किया, हाँ मैंने ये offence किया। अगर ऐसा है तो वो admission confession कहलाएगा। अब section 17 क्या कहता है हम वो discuss करने वाले हैं कि section 17 में admission define किया हुआ है। An admission is a statement. Admission एक statement होता है इन ओरल फॉर्म। तो एडमिशन इज ए स्टेटमेंट, इट मे बी इन ओरल फॉर्म, इट मे बी इन अ डॉक्यूमेंट्री फॉर्म, और इट मे बी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सो एडमिशन ओरल भी एडमिशन हो सकता है, मैं कहूंगा कि हाँ मैं उस टाइम पे उस जगह पर मौजूद था, दैट इज ओरल एडमिशन। बट डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में भी एडमिशन हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई डॉक्यूमेंट साइन किया है उस वक्त, अगर वो डॉक्यूमेंट है तो दैट एडमिशन विल बी इन अ डॉक्यूमेंट्री फॉर्म, और एडमिशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है। मैंने मेल कर अगर कोई फैक्ट एडमिट किया है, दैट एडमिशन विल बी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो एडमिशन ओरल फॉर्म में भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में भी हो सकता है, और इवन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है। विच सजेस्ट एनी इन्फ्रेंस, अब वो क्या इन्फ्रेंस सजेस्ट कर रहा है? फैक्ट इन इशू और रिलीवेंट फैक्ट। सो एनी स्टेटमेंट विच इज इन ओरल फॉर्म, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म, और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, विच सजेस्ट एनी इन्फ्रेंस रिगार्डिंग अ फैक्ट इन इशू और रिलीवेंट फैक्ट, एडमिशन कब कहलाएगा? कि कोर्ट को जो फैक्ट डिसाइड करना है, जो फैक्ट इन इशू है कोर्ट के सामने, उससे रिलेटेड ऐसा स्टेटमेंट जो ओरल या डॉक्यूमेंट्री या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, जो फैक्ट इन इशू या रिलीवेंट फैक्ट के तरफ इशारा करता है, दैट स्टेटमेंट इज नोन एज अ एडमिशन।
which is made by any of the person and under the circumstances herein after mentioned. और वो ऐसे person ने किया हुआ रहना चाहिए के और ऐसे circumstances में उसने किया हुआ रहना चाहिए जो अगले section में बताया हुआ है. तो ऐसा statement जो oral या documentary या electronic form में है और वो कहीं ना कहीं इशारा किस तरफ कर रहा है, फैक्ट इन इशू के तरफ या रिलीवेंट फैक्ट के तरफ. और ऐसे पर्सन ने किया हुआ रहना चाहिए और ऐसे सर्कमस्टांसिस में किया हुआ रहना चाहिए जो सेक्शन 18 में बताया हुआ है नेक्स्ट सेक्शन में. तो अब सेक्शन 17 पे पूछा गया क्वेश्चन महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन में JMFC 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है एडमिशन मीन्स स्टेटमेंट मेड बिफोर कोर्ट, स्टेटमेंट मेड इन अ डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट सजेस्टिंग इन्फरेंस एज टू एनी फैक्ट इन इशू, नन ऑफ द अबव. तो अगर हम देखें तो यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि स्टेटमेंट विच सजेस्ट एनी इन्फरेंस एज टू एनी फैक्ट इन इशू. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड. सो ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर है क्योंकि ऐसा स्टेटमेंट जो कहीं ना कहीं रेफरेंस इन्फरेंस किसके तरफ कर रहा है, इशारा किसके तरफ कर रहा है, फैक्ट इन इशू के तरफ, तो वो स्टेटमेंट एडमिशन कहलाएगा. अनदर क्वेश्चन आस्क्ड बाय द एग्जामिनर 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन में. टर्म एडमिशन इन द इंडियन एविडेंस एक्ट इन्वॉल्व्स कंसेंट, एग्रीमेंट, सबमिशन, नन ऑफ द अबव. तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एन एडमिशन इज ए स्टेटमेंट ओरल डॉक्यूमेंट्री इन कंटेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विच सजेस्ट एनी इन्फ्रेंस एज टू एनी फैक्ट इन इशू और रिलीवेंट फैक्ट एंड विच इज मेड बाय एनी ऑफ द पर्सन अंडर द सर्कमस्टांसेस हियर इन आफ्टर मेंशन. तो ना तो एडमिशन की डेफिनेशन में कंसेंट की बात हो रही है, ना तो एग्रीमेंट है, ना तो सबमिशन है. तो ये तीनों भी ऑप्शन सही नहीं है. तो नन ऑफ द अबो इज अ राइट answer. So this is a particular section 17 which we have discussed in this particular lecture. I hope you understand this topic, and if you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button, and share this video with your friends. Thank you very much.